नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नोएडा, मुंबई और कोलकाता में तीन उच्च क्षमता वाले कोविड जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को कोरोना महामारी को लेकर लापरवाही न बरतने के लिए सतर्क किया। कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 36,000 से अधिक लोग स्वस्थ। देश में अब तक 8,85,576 लोग ठीक हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिक्किम ने 1 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया और वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे 8,00,000 से अधिक भारतीय स्वदेश लौटे। मिशन का पांचवां चरण 1 अगस्त से। समाचार प्रभात में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नोएडा, मुंबई और कोलकाता में कोविड परीक्षण केंद्रों का उद्घाटन करेंगे। इन केंद्रों से देश में कोविड जांच क्षमता में वृद्धि होगी और संक्रमण की जल्द पहचान और उपचार में मदद मिलेगी। ये केंद्र भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के नोएडा स्थित राष्ट्रीय कैंसर रोकथाम और अनुसंधान संस्थान, मुंबई के राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान और कोलकाता स्थित राष्ट्रीय कॉलरा और आंत्ररोग संस्थान में स्थापित किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन केंद्रों में प्रतिदिन 10,000 नमूनों की जांच की जा सकेगी। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी का जल्द पता लगाने और नियंत्रण के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति अपनाई है। इन तीनों केंद्रों को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से बनाया गया है और ये आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। कोरोना महामारी के बाद इन केंद्रों पर हेपेटाइटिस बी और सी, तपेदिक, डेंगू के अलावा दूसरी जटिल बीमारियों की भी जाँच हो सकेगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाही न बरतने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कोरोना संकट अभी टला नहीं है और अत्यधिक सतर्कता बरते जाने की जरूरत है। श्री मोदी ने कहा कि देश ने इस महामारी के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया है और स्वस्थ होने की दर अन्य देशों की तुलना में कहीं बेहतर है। मृत्यु दर भी अन्य देशों की तुलना में कम है। आज हमारे देश में रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बेहतर है। साथ ही हमारे देश में कोरोना से मृत्यु दर भी दुनिया के ज्यादातर देशों से काफी कम है। निश्चित रूप से एक भी व्यक्ति को खोना दुखद है, लेकिन भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल भी रहा है। लेकिन साथियों, कोरोना का खतरा टला नहीं है। कई स्थानों पर यह तेजी से फैल रहा है। हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। हमें ये ध्यान रखना है कि कोरोना अब भी उतना ही घातक है जितना शुरू में था। प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमण से किसी एक व्यक्ति की मृत्यु भी काफी दुखद है। उन्होंने कहा कि भारत लाखों लोगों की जान बचाने में सफल रहा है। श्री मोदी ने लोगों से बाहर निकलते समय मास्क लगाने का आग्रह किया ताकि स्वयं के साथ औरों की भी संक्रमण से रक्षा हो सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में पहली बार एक दिन में कोविड संक्रमण से रिकॉर्ड संख्या में लोग ठीक हुए हैं। पिछले एक दिन के दौरान 36,000 से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही उपचार के बाद स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 8,85,576 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना से स्वस्थ होने की दर 63.92% हो गई है। कोरोना के सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने की संख्या 4,17,000 से अधिक हो चुकी है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को सलाह दी है कि वे अपने राज्यों में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति को प्रभावी तरीकों से लागू करें। देश में पहली बार एक दिन में 4,40,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई, जिसके साथ ही प्रति 10,00,000 आबादी पर 11,805 लोगों की जांच की जा रही है। अब तक 1,62,00,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पहली बार देश में सरकारी प्रयोगशालाओं में 3,62,153 नमूनों की जांच की गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। निजी प्रयोगशालाओं ने भी एक दिन में 79,000 नमूनों की जांच करके नया कीर्तिमान बनाया है।
मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 2.31% रह गई है, जो कि दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले में काफी कम है। दिल्ली में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर लगभग 88% हो गई है। यह दर देश में सबसे ज्यादा है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में 1,807 कोविड रोगी ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही ठीक होने वालों की कुल संख्या 1,14,875 हो गई है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के 1,075 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिससे इसकी कुल संख्या 1,30,606 हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि शहर में कोरोना से 21 लोगों की मौत हुई है, जिससे कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,827 हो गई है। इस समय 11,904 सक्रिय मामले हैं। पंजाब में कोविड के मामलों की संख्या बढ़कर 13,218 हो गई है। इनमें से अब तक 8,810 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 306 की संक्रमण से मौत हो गई है। कल 534 नए लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 15 संक्रमितों की मौत हो गई। नए मामलों में 95 लुधियाना, 83 पटियाला और 70 जालंधर से हैं। स्वस्थ हुए 513 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद कल अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य के विभिन्न अस्पतालों में अभी 4,102 मरीजों का इलाज चल रहा है। मध्य प्रदेश में कोविड 19 महामारी की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन में पंचायतों और समाज की भूमिका के बारे में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग राज्यभर में ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस प्रशिक्षण में मध्य प्रदेश के समस्त जिलों की 22,812 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। अभी तक 7,883 पंचायतें प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशिक्षण में कुल 8 तकनीकी सत्र सम्मिलित हैं, जिनमें विशेष रूप से कोरोना के नियंत्रण में पंचायतों की भूमिका, बचाव और रोकथाम के उपाय, क्वारंटीन सेंटर के संचालन के तकनीकी पहलू, केंद्र एवं राज्यों द्वारा संचालित राहत कार्यों एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में पंचायतों, महिला समूहों तथा समुदाय आधारित संगठनों की भूमिका प्रमुख है। इस बीच मध्य प्रदेश में 874 नए कोरोना वायरस मरीज मिलने के साथ ही राज्य में कोविड 19 मरीजों की संख्या बढ़कर 27,800 हो गई है। वहीं एक दिन में संक्रमण के शिकार 12 रोगियों की मृत्यु के साथ ही इस महामारी के कारण राज्य में अब तक 811 लोग मर चुके हैं। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में अस्पतालों से 644 कोरोना वायरस रोगियों को छुट्टी मिली है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,110 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में अब संक्रमितों की संख्या 55,822 हो गई है। एक रिपोर्ट। राज्य में सामने आए संक्रमण के 1,110 नए मामलों में से सबसे अधिक 201 मामले सूरत शहर से दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद शहर से 152 मामले सामने आए। राज्य में कुल 13,131 सक्रिय मामलों में से 85 मरीजों की स्थिति नाजुक है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटों में 753 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर अस्पतालों से छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 40,365 हो गई है। इस बीच राज्य में रोजाना होने वाले परीक्षणों की संख्या बढ़ा दी गई है। पिछले 24 घंटों में 21,708 लोगों का परीक्षण किया गया। इसके साथ ही राज्य में अब तक 6,42,000 से अधिक लोगों का कोविड 19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। अहमदाबाद नगर निगम ने 16 नए क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है। इन क्षेत्रों में आज से घर घर स्वास्थ्य जांच और समूह परीक्षण शुरू किया जाएगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बृहन्मुंबई नगर पालिका ने मुंबई में कोविड 19 संक्रमण के आकलन के लिए सीरो सर्वे का पहला चरण पूरा कर लिया है। इस चरण में शहर के 10,000 लोगों को शामिल किया गया था। लोगों में प्रतिरोधक क्षमता के स्तर का पता लगाने के लिए सीरो सर्विलांस कार्यक्रम चलाया गया था। ये सर्वेक्षण नीति आयोग, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के निर्देशों के अनुरूप चलाया गया। मुंबई नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शहर में झुग्गियों की बस्ती और निवासी इलाकों इन दो विभिन्न स्तर के स्थानों से सेरो सर्वे के नमूने लिए गए थे। बीएमसी के अनुसार इन आंकड़ों की तुलना करने के लिए अगस्त में एक और सर्वेक्षण किया जाएगा और जिससे यह स्पष्ट होगा कि शहर की औसतम आबादी की रोग संक्रमण सहने की क्षमता कैसी है। बीएमसी के अतिरिक्त नगर आयुक्त सुरेश काका
ने कहा कि इस सर्वेक्षण का पहला चरण तो पूरा हो गया है, लेकिन सर्वेक्षण के परिणामों का निष्कर्ष निकालने के लिए हम दूसरे चरण के नमूने एकत्रित होने तक इंतजार करेंगे। बीएमसी के सर्वेक्षण के परिणामों को जानने के बाद नागरिकों को यह पता चल जाएगा कि वायरस के प्रति जनसंख्या कितनी प्रतिरक्षित है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। सिक्किम सरकार ने कोविड 19 से संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन 1 अगस्त सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया है। सिक्किम में 21 जुलाई से जारी लॉकडाउन आज सुबह समाप्त हो रहा था। कोविड मामलों में तेजी से वृद्धि को देखते हुए सिक्किम सरकार ने पूर्णबंदी को बढ़ा दिया है। राज्य में खासकर पूर्वी और दक्षिण जिलों में कई कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। राज्य में रविवार को कोविड 19 महामारी से पहली मौत हुई है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 45 नए मामले सामने आने के बाद सिक्किम में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 397 हो गई है, जबकि संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 545 हो गए हैं। 148 लोगों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। दक्षिण सिक्किम में 31 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पूर्वी सिक्किम में 14 मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1 अगस्त तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन सभी शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। गंगटोक से पारिजात शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। कर्नाटक में कोविड के नमूनों के परीक्षण में होने वाली देरी को दूर करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। राज्य के मुख्य सचिव टीएम विजय भास्कर ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर कहा है कि कोविड के नमूनों के परीक्षण के नतीजे इनको इकट्ठा करने के 72 घंटों के भीतर मिल जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि नमूने इकट्ठा करने के बाद अधिकतम 24 घंटे में प्रयोगशाला में पहुंच जाने चाहिए। इसके बाद प्रयोगशाला में डेटा एंट्री का काम अधिकतम 24 घंटे में पूरा कर लिया जाना चाहिए और इसके अगले 24 घंटे में परीक्षण के नतीजे मिल जाने चाहिए। कर्नाटक में कल कोविड महामारी से 33,565 नमूनों का परीक्षण किया गया। कल संक्रमण के 5,199 नए मामले भी दर्ज किए गए, जिनसे राज्य में अब तक महामारी से संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 96,141 हो गई है। बिहार में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO कोरोना रोगियों के उपचार के लिए 5,000 बिस्तरों का 2 अस्थायी अस्पताल बनाएगा। DRDO ने राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला किया है। एक रिपोर्ट। पटना और मुजफ्फरपुर में बनाए जाने वाले कोविड जेंट हॉस्पिटल अत्याधुनिक होंगे। दोनों अस्पताल में 150-150 वेंटिलेटर होंगे। राज्य सरकार ने अस्पताल के लिए DRDO को जमीन उपलब्ध करा दिया है। उत्तर बिहार के संक्रमित मरीजों का इलाज मुजफ्फरपुर में होगा, जबकि दक्षिण बिहार के मरीजों का इलाज पटना में। इस बीच 2,605 नए मामले मिलने के बाद राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 38,919 हो गई है। पूरे राज्य में अब तक 26,308 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 12,361 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 68% है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड 19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में सीताराम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वरिष्ठ कंसल्टेंट डॉ अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने पर बल दिया। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहाँ जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करे कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर, तो कोशिश करे कि जहाँ आप दो लोग खड़े हैं करे 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में महामारी विज्ञान के पूर्व प्रमुख वैज्ञानिक डॉ रमन आर गंगाखेड़कर ने कहा कि कोविड 19 के मामलों की बढ़ती संख्या से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोविड 19 पर आकाशवाणी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में भाग लेते हुए ये बात कही। नंबर बढ़ रहे हैं, यानी सरकार का जो दायित्व है कि ये टेस्ट करने का एक्सेस लोगों को बढ़ाना, वो अच्छे ढंग से वो निभा रहे हैं, इसलिए नंबर बढ़ रहे हैं। मैं अगर कम टेस्ट ऑफर करूं तो मेरे नंबर्स भी उतने ही कम रहेंगे, लेकिन ज्यादा नंबर्स है उससे डरना नहीं है। हमको उन लोगों को आइसोलेट करना है जो लोगों को दवा देने की जरूरत है, जिनको हॉस्पिटलाइज करना है या जिनको हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन देना है, ऐसे लोगों को हमको उस ढंग का इलाज करना चाहिए।
आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नोएडा, मुंबई और कोलकाता में 3 उच्च क्षमता वाली कोविड जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को कोरोना महामारी को लेकर लापरवाही न बरतने के लिए सतर्क किया। कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 36,000 से अधिक लोग स्वस्थ, देश में अब तक 8,85,576 लोग ठीक। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिक्किम ने 1 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया और वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे 8,00,000 से अधिक भारतीय स्वदेश लौटे। मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 6 मई से अब तक विभिन्न माध्यमों से विदेशों में फंसे 8,14,000 से अधिक भारतीय स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 2,70,000 भारतीय 53 देशों से विमानों से लौटे हैं। श्री पुरी ने ट्वीट कर कहा कि वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। इस चरण में एयर इंडिया, अमरीका, कैनेडा, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमारात, सिंगापुर, ब्रिटेन, फ्रैंकफर्ट, पेरिस, सऊदी अरब, बहरीन, न्यूजीलैंड और फिलीपींस से भारत के विभिन्न शहरों के लिए उड़ान संचालित करेगा। श्री पुरी ने कहा कि एयर इंडिया टिकटों की बुकिंग के बारे में विस्तृत ब्यौरा जल्द ही घोषित करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि वंदे भारत मिशन के चौथे चरण में 1,197 उड़ानों का संचालन किया गया। इनमें 945 अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने और 252 फीडर उड़ाने थी। वंदे भारत मिशन के 5वें चरण के तहत संयुक्त अरब अमारात और भारत के विभिन्न शहरों के बीच 100 से अधिक उड़ानें संचालित की जाएंगी। 74 उड़ानें दुबई और शारजाह से निर्धारित की गई है, जबकि 31 उड़ानों को अबूधाबी से भारत के विभिन्न गंतव्यों तक संचालित किया जाएगा। अफगानिस्तान से अल्पसंख्यक सिख और हिंदू समुदायों के 11 सदस्य कल नई दिल्ली पहुंचे। भारत ने इनका वीजा मंजूर किया था और यात्रा सुविधाएं उपलब्ध कराई थीं। इनमें सिख समुदाय के नेता निदान सिंह सचदेवा भी शामिल हैं, जिनका अपहरण किया गया था और बाद में उन्हें मुक्त कर दिया गया था। विदेश मंत्रालय ने सुरक्षित वापसी में आवश्यक सहयोग के लिए अफगानिस्तान सरकार की सराहना की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने पिछले सप्ताह कहा था कि अफगानिस्तान में हिंदू और सिख समुदायों पर आतंकवादी हमले की घटनाएं बढ़ी हैं। ये हमले आतंकवादियों द्वारा उनके बाहरी मददगारों की शह पर किए जा रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा था कि विदेश मंत्रालय को इन अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों से भारत आने और यहां बसने के बारे में अनुरोध मिल रहे हैं। उन्होंने बताया था कि काबुल में भारतीय दूतावास उन्हें आवश्यक वीजा उपलब्ध करा रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने कहा है कि राजस्थान में राजनीतिक संकट और कोविड स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। बसपा प्रमुख सुश्री मायावती ने कहा कि ऐसे समय में जब लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, राज्य सरकार ने अपने विधायकों को जनसेवा में लगाने की जगह 5 सितारा होटल में बंद कर रखा है। पार्टी महासचिव सतीश चंद मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार को इस मुद्दे पर निर्णय लेना चाहिए और बिना किसी विलंब के राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बहुजन समाज पार्टी के इस रुख को राज्य की अशोक गहलोत सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पूर्व भी बसपा प्रमुख मायावती राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर चुकी है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित कांग्रेस के 19 बागी विधायकों को स्पीकर सीपी जोशी की ओर से जारी अयोग्यता नोटिस मामले में हाईकोर्ट के दखल पर स्पीकर द्वारा दाखिल SLP पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस बीच राज्य सरकार की ओर से कल एक बार फिर विधानसभा का आपात सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को नया प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन इस प्रस्ताव में बहुमत परीक्षण का जिक्र नहीं किया गया है। सरकार के प्रस्ताव में कहा गया है कि सत्र में कोरोना तथा राज्य की अर्थव्यवस्था पर चर्चा की जाएगी। उधर कांग्रेस ने कल देर शाम कहा कि स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता आज देश भर में राजभवनों पर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन राजस्थान के राजभवन पर प्रदर्शन नहीं होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉ APJ अब्दुल कलाम को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने महान वैज्ञानिक और शिक्षक डॉ कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। जन राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन के रूप में लोकप्रिय डॉ कलाम का शिलांग में विद्यार्थियों को व्याख्यान देते समय 27 जुलाई 2015 को निधन हो गया था। हिमाचल प्रदेश सरकार हरित क्षेत्र बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दे रही है।
वन्य क्षेत्र बढ़ाने और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना शुरू की गई है। इसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि वन विभाग की अनेक योजनाओं से राज्य में हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना पर वन विभाग द्वारा 800 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 10 वर्षीय इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य प्रदेश में वन वृद्धि, जैव विविधता संरक्षण, संस्थागत क्षमता के सुदृढ़ीकरण के साथ ग्रामीण लोगों की आर्थिकी में सुधार करना है। इस परियोजना के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 41.78 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। परियोजना प्रदेश के 6 जिलों किन्नौर, शिमला, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के वन परिक्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 81 ग्रामीण वन समितियां भी गठित की गई हैं। इस परियोजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र किन्नौर के चिलगोजा और स्पीति के सी बकथरोन छरमा जैसे औषधीय पौधों को बढ़ावा दिया जाएगा। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। रक्षाबंधन का त्यौहार अब केवल एक सप्ताह दूर है। उत्तर प्रदेश के बाजारों में पिछले वर्ष तक चीन में बनी राखियों की भरमार रहती थी, लेकिन इस बार लोगों के साथ साथ दुकानदार भी भारत में बनी राखियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। राज्य में स्वदेश में निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने वाले लोकल फॉर वोकल अभियान में आत्मनिर्भर भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में लगभग सभी शहरों में इस समय राखी की दुकानों पर भारी भीड़ है और सब जगह लोगों की एक ही मांग है, हर कोई देश में बनी राखी खरीदना चाहता है। सीमा पर तनाव के बीच व्यापारियों ने भी लोगों के मिजाज को भांपते हुए चीन में बनी राखियों से दूरी बना ली है और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने स्थानीय राखियों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। आकाशवाणी समाचार ने लखनऊ में कई दुकानदारों से बातचीत की और उनका कहना था कि लोगों ने सीधे तौर पर चीन की राखियों को खरीदने से मना कर दिया है और वो भारत में ही बनी राखियों की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर इस मांग को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की मदद से तमाम जिलों में स्वयं सहायता समूह राखियां बना रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के ऐसे ही एक लाभार्थी ने आकाशवाणी को बताया। मैं मालती विश्वकर्मा, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता से हम महिलाओं ने राखी बनाने का काम शुरू किया है। कोरोना काल में भी इस काम से मिल रही राशि परिवार के पालन पोषण में काम आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी जिला प्रशासन ने 10 स्वयं सहायता समूहों को 50,000 राखियों का ऑर्डर दिया है और स्थानीय व्यापारियों ने भी लोकल फॉर वोकल की भावना के तहत इन राखियों को बेचने का वादा किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के दाचू गांव में सुरक्षा बलों ने एक बाग में आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने का पता लगाया है। शोपियां पुलिस 44 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की 178वीं बटालियन ने कल विश्वसनीय सुराग मिलने के बाद इलाके में तलाशी के दौरान छिपने के इस ठिकाने का पता लगाया। वहां से 2 यूबीजीएल ग्रेनेड, 3 चीनी ग्रेनेड, AK-47 राइफल की एक मैगजीन और 20 गोलियां, एक रेडियो सेट और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की पुष्टि करने वाली सामग्री छिपने के ठिकाने से बरामद की। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन भी शुरू कर दी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से फोन पर बातचीत की। उन्होंने वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन से बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की मरम्मत में मदद की पेशकश की। डॉ सिंह ने कहा कि मंत्रालय दूसरी सरकारी एजेंसियों और अन्य स्रोतों से भी वित्तीय मदद दिलाने में सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर में असम, अरुणाचल प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में आई बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। 23 जिलों में लगभग 25 लाख लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। बाढ़ से अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर बिहार में 11 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पूर्वी चंपारण और दरभंगा जिलों में नदियों के तटबंध टूटने से स्थिति बिगड़ गई है। पूर्वी चंपारण जिले में तेतरिया ब्लॉक में लहलातपुर के नजदीक गंडक नदी का तटबंध टूटने से कुछ और इलाकों में पानी भर गया है। बाढ़ के पानी में सड़कें डूब जाने से दरभंगा जयनगर और दरभंगा समस्तीपुर मार्ग पर यातायात रोक दिया गया है। कई स्थानों में रेल की पटरियों पर पानी भर जाने से पूर्वी मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर आज लगातार चौथे दिन रेलगाड़ियां नहीं चल रही हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मुंबई में भी बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा होगी। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है। चेन्नई में तापमान 28 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, बादल छाए रहने की संभावना है। कोलकाता में बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। लद्दाख के लेह में भी आसमान साफ रहने लेकिन दोपहर बाद या शाम तक बादल घिरने का अनुमान है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। समाचार कक्ष से भवतारिणी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और सिद्धार्थ अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। नवीनगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा, पाकिस्तान ने करगिल में पीठ में छुरा भोंका, लगभग सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। वीर अर्जुन लिखता है, दुष्ट पाक पर पीएम ने किया प्रहार। दैनिक जागरण लिखता है, प्रधानमंत्री ने कहा पीठ में छुरा घोंपना पाक की आदत। जनसत्ता की सुर्खी है, अब तिब्बत में सरहद पर चीनी सैनिकों का बड़ा जमावड़ा। डीआरडीओ द्वारा संचालित भारत के प्रमुख खुफिया उपग्रह एमीसैट ने चीन के कब्जे वाले तिब्बत के ऊपर से गुजरते हुए चीनी ठिकानों की टोह ली। नवभारत टाइम्स लिखता है, अरुणाचल सीमा पर भी चीन ने बढ़ा लिए सैनिक। देश में पिछले 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा मरीजों के ठीक होने को भी अखबारों ने अपनी सुर्खियों में दिया है। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार कोरोना से ठीक हुए रिकॉर्ड मरीज, स्वस्थ होने की दर 63.92% पहुंची। वहीं पत्र लिखता है, लगातार सुधर रहे हैं दिल्ली के हालात। दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है, दिल्ली को छोड़कर देशभर में बढ़ रहे कोरोना के मामले। पत्र ने दिया है, सबसे कम संक्रमण दर में भारत तीसरे स्थान पर। दैनिक भास्कर लिखता है, प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर फिर चेताया। मन की बात में कहा कि मास्क परेशान करे तो कोरोना वॉरियर्स को याद करें। अमर उजाला की सुर्खी है, कोरोना संक्रमित 14 लाख के पार, प्रधानमंत्री बोले खतरा अभी टला नहीं। 1 अगस्त से सिनेमा जिम खुल सकते हैं पर स्कूल और मेट्रो नहीं, सभी समाचार पत्रों में है। राजस्थान में सियासी उठापटक पर नवभारत टाइम्स लिखता है, राजस्थान का रण आज सुप्रीम कोर्ट में कानूनी जंग पर, दो खेमों में बटी कांग्रेस। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, 31 से विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़ी कांग्रेस। हिंदुस्तान ने लिखा है, गहलोत ने कोरोना पर सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन समारोह के लिए आडवाणी, जोशी और भागवत को न्योता जनसत्ता में है। दूरदर्शन और अन्य चैनलों पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। उन्नत भारत अभियान के तहत 15 अगस्त से 14,000 गांवों में कामगारों के लिए स्किल मैपिंग सर्वे का काम शुरू होगा, दैनिक भास्कर में है। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट शीर्षक से लिखा है, चीन से सटे उत्तराखंड के हर्षिल गांव ने चीन युद्ध के बाद भीषण गरीबी देखी, फिर सेब की खेती से तस्वीर बदली। यहां का एक परिवार साल में 25 लाख रूपये तक कमाता है। अमर उजाला ने दिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कोटे के लिए 1 अगस्त से करें आवेदन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नोएडा, मुंबई और कोलकाता में 3 उच्च क्षमता वाली कोविड जांच प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को कोरोना महामारी को लेकर लापरवाही न बरतने के लिए सतर्क किया। कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड 36,000 से अधिक लोग स्वस्थ, देश में अब तक 8,85,576 लोग ठीक हुए। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिक्किम ने 1 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया और वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे 8 लाख से अधिक भारतीय स्वदेश लौटे। मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।